श्री कृष्णा, वेलकम टू राधा कृष्ण ब्लॉग। मैं जय श्री पार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाथ में जंतुनाशक पाउडर डाली है और अभी ने बकेट भर के वो गाय को दिया है। छोटे हमारी जो राजा है ना, उसको इधर लाने से अच्छा उसको वही पानी पिलाते, और अभी हमारे गाय को इधर ही पानी पीने के लिए छोड़ कर लाएंगे। तो चलो अभी आज उनको पानी पिलाने से शुरुआत करते हैं हमारे काम की। तो ये जानवर का पानी पीने का हौद है हमारा, और इसको बीच बीच में हम साफ भी करते हैं, और बीच में उसमें जंतुनाशक कीटाणु नाशक इसमें लिक्विड भी डालते हैं। पापा ने डाल दिया अभी, और गाय को पानी पिलाने के लिए लेकर जा रहे। ये गाय ना हमारी कोई भी लेडीज़ को पास भी आने नहीं देती, पता नहीं उनके ऊपर जैसे चढ़ सी जाती है, बहुत डर लगता है उससे। वो उसको अच्छा हुआ सिंग नहीं है, वरना वो ऐसे सिंग हिलाती है जैसे कि उठा के फेंक देंगे। और इसको हमने मैंने बाल्टी भर के यही पे देखा, उसको राजा ने पानी पी लिया। और ये हमारी एकादशी है, एकादशी के दिन आई है, इसीलिए ये बहुत छोटी सी अभी पानी भी नहीं पीती। काहे नहीं कर, ये काहे नहीं कर, दादा। और राजा के साथ मस्ती करना हर किसी को, हमारे फैमिली मेंबर्स को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और बिल्कुल गुस्से नहीं है। वो हम सबसे घुल मिल गया है, और जो भी आता है उसको, खासकर हमारे बच्चे इसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते। अभी वो स्कूल गए इसीलिए ये खाली पोट असतं, त्या पोटामध्ये सगळं टाकायचं असतं, है ना राजा? डेकर पण आपल्यासारखंच येत असतं। एकादशीला पाणी प्यायचं आहे, आता थांब मी घेऊन येते। तू साडी नको खाऊ बघा, असं म्हणतात की ज्यांच्या खिरवतमध्ये जर खरगट गेलं तर ते कपडे खातात, पण याचं आम्ही काही खरगट बिरगट केलं नव्हतं, तरी पण तसंच करतो। और जानवर को पानी पिला दिया है, अभी उनको चारा भी काटना है मेरे को, लेकिन सबको भूख लगी। सुबह का नाश्ता हमारे इधर कोई करता नहीं है, तो खेत में आ गए हम लोग, और अभी आज यहीं पे खाना खाना थे, क्योंकि दोपहर का खाना खाते हैं ऑफिस लिए हम इधर, लेकिन आज जल्दी आ गए। दाल है, चावल तो नहीं लाते हम खेतों में, रोटी सब्जी चटनी अचार ये सब। मेरी माँ कभी भी दाल खाती नहीं थी, लेकिन अभी हमने कुछ आरोग्य के स्कूल के वजह से वो दाल भी खाने लगी। अभी देखो मेरे को, मैंने बचपन से अब तक उसको कभी भी नहीं देखा दाल खाते हुए। अभी दही दाल वो सब अच्छे से इंजॉय करती, क्योंकि उसको अभी एसिडिटी भी नहीं होती। और खाना खाने के बाद हमारे जानवर के लिए भी चारा कट करना है मुझे। ये गिन्नी घास है, और देखो मेरे सर से ऊपर कितना बड़ा, जैसे गन्ना होता है ना, उससे भी ज़्यादा ये बड़ा हो चुका है। और अभी इसको मैं कट करूँगी। हम लोग ये वीड़ा यहीं पे रखते हैं पास में। लगेज बंद किया लगा सर, थोड़ा रहो। और ये कट करने को भी उसको उतनी परेशानी हो रही, जितना गन्ना कट करने में ताकत लगती है उसी तरह से, क्योंकि इसके देखो आप डांडिया भी कैसे हो गई है, जैसे गन्ना लग रहा है छोटा वाला, लेकिन लंबाई में तो ये गन्ने से भी ऊपर जा चुका है। और अभी इसे कट करके हम लोग क्या करेंगे, उसको वहाँ पे रख देंगे, फिर उसको बाद में वापस से कट करके उसको खिला देंगे। तो अभी देखो हम लोग इसे कट करे किए जा रहे हैं, और उसको ऊपर उधर लेकर जाना भी, और ये बहुत भारी भी होता है। मुझे लग रहा था ये गन्ना ही है, लेकिन अंदर से कैसा है मीठा, पहली बार इतना आया तो मैंने सोचा इसे चखती हूँ मैं, तो ये बिल्कुल भी मीठा नहीं लगा मुझे। वरना हम लोग ज्वारी बाजरे की भी ताट चूसते हैं, तो उसमें भी गन्ने जैसी मिठास होती है, लेकिन इसमें कुछ नहीं निकला। फिर भी यहाँ पे इतनी सारी चींटियाँ है कि पूछो मत, थोड़ी सी भी और साड़ी पे चढ़ जाती है, और फिर पूरा दिन काटती रहती है। और अभी पता नहीं ये चींटियों का एड्रेस चेंज हो गया है, वो गांव की वजह खेतों में आकर फैल बैठ गए, और जहाँ पे भी जाओ ना बहुत सारी चींटियाँ है, और कब काटेंगी इतनी सारी बता नहीं सकते हम आपको। और ये भी उस चींटियों के लिए तो ये तो मीठा ही है, क्योंकि इसमें थोड़ी मिठास होती है। हम लोगों के ही मुँह में ज़्यादा मिठास लगी हुई, इसलिए हम लोग नहीं खा पाते। और जितना चारा चाहिए था उतना मैंने कट कर लिया है अभी, और इसको उठा कर लेकर जाना है। और इसमें बहुत सारी चींटियाँ भी है, तो ऐसे उठा कर लेकर जाते हैं तो वो हमारे बॉडी पे भी चढ़ जाती है,
लेकिन कोई चारा नहीं है दूसरा इस चारे को उठाने के लिए, ये तो करना पड़ेगा। और ये बहुत भारी भी होता है, वेट भी इसका अच्छा खासा होता है। अभी इसको मैं उधर रख दूँगी, फिर उसको कट करके डाल देंगे उसको। तो अभी और मुझे नदी पे भी जाना है, मैं सोच रही हूँ क्या कैस बहाना करके जाऊँ, क्योंकि हमारे इधर नदी पे ऐसे कुछ जाने नहीं देता, कुछ ना कुछ बहाना मुझे सोचना पड़ेगा फिर जाएंगे। मेरे को नदी में ज़्यादा दिन पानी नहीं आता हमारे, इसीलिए हम लोग थोड़ा भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। बड़ी बड़ी नदियाँ नहीं, हमारी छोटी सी है, उसका नाम लौकी है, और अभी उसके में भी इतना पानी नहीं आता। और जब भी ये आते हैं बहुत खाज खुजली होती है, इधर जब उठाते हैं तो इधर भी लगता है। तो उसको अच्छे से मैंने धो लिया, क्योंकि उसको छोटे छोटे बाल होते हैं उसमें और वो बहुत चुभते हैं कांटों की तरह। तो मैंने साड़ियाँ निकाली है, मैंने सोच लिया था बहाना क्या बनाऊँ, तो मैंने ये कपड़े उठा के अभी लेकर जाऊँगी मैं। और अभी आप भी साथ में चलो, बहुत अच्छा लगेगा। और इधर से हमारा घर और हमारे पास में नदी है, वो सामने ही है लेकिन वहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ पे बहुत शैवाल आ चुका है। तो ये थोड़ा सा बाजू में है, यहाँ सभी औरतें कपड़े धोने आती है सुबह। और अभी 12 बजे ही भी यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि गांव में बहुत जल्दी सुबह हो जाती है और काम भी बहुत जल्दी निपट जाते हैं, और इस टाइम कोई नहीं अभी। और नदियों में कपड़े धोना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर में तो हम हमेशा धोते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नेचर के साथ रहने का, टाइम स्पेंड करने का और ज़्यादा मौका मिलता है। और बहुत लोग बोलते हैं प्रदूषण वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, साफ़ सुथरे कपड़े होते हैं। हम लोग इधर ऐसा कुछ नहीं करते जिससे हमारी नदी गंदी हो जाए, तो बस पानी में ऐसे ही। और यहाँ पे और ये हमारे पीढ़ियों से चलता आया हुआ रिवाज है, और इसमें हम लोग कोई खराबी भी नहीं करते, जैसे है वैसे ही साबुन ये सब। यार हमारे नदी में मछलियाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी नदी है। और ये पानी भी कब तक टिकेगा ये भी हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये कभी भी गायब हो जाएगा, क्योंकि बारिश खुल गई और हमारे मोटर चालू हो गए, मतलब बावड़ी का पानी चालू हो गया, तो सब पानी खींच लेते हैं सबके खेतों में। मोटर चालू हो गई तो पानी उधर भरना शुरू हो गया, तो ये नदी अपने आप सूखने लगती है। और यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ भी आती है, बहुत सारे ट्रैक्टर भी जाते हैं। और अभी 12:30 बजने को आए, तो अभी कॉलीफ्लावर के ट्रैक्टर बहुत जा रहे हैं इधर से उधर, उधर से वो, क्योंकि गांव में ही लेकर जाना है किसी के 20, 30, 50, 60, 40, 50 ऐसे बोरियाँ निकलती है, उसको गांव में लेकर जाकर व्यापारी को देते हैं और तुरंत पैसे भी मिल जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले नागपुर, चंद्रपुर, सूरत, मुंबई, यवतमाल, नांदेड़ ऐसी जगह पे लेकर जाना पड़ता था मेरे पापा, वो सब पैसे फिर 2-4 दिन उधर ही आने जाने में जाता और वापस आने तक नया निकालने को आती। तो मेरी आई पीछे सब काम संभालती थी, उसको हम हेल्प करते थे मैं और मेरा भाई। अरे देखो पूरा ट्रैक्टर भरा भरा जा रहा है, और अभी उसमें जाते ही मेरा पानी भी गंदा कर दिया, क्योंकि उधर से आया अभी पानी, पूरा गंदा पानी उधर आने से पहले मैं इसको फटाफट से जोड़ के बाजू में रख दूँगी, वरना वो पानी इधर आ जाएगा। तो धीरे धीरे आता है, क्योंकि वो ट्रैक्टर बहुत स्पीड से चला गया और उसका अंतर बहुत काफ़ी, तो पूरा गंदा हो जाता है। फिर अभी उसको आने से पहले मैं इसको हटा देती हूँ फटाफट से, नहीं तो और ये गंदा पानी, मैंने बोला ना आएगा, देखो आ ही गया, आपको भी दिखाई दे रहा है ना, मुझे भी दिखाई दे रहा है। तब तक हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी में खेल लेते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने इधर से उधर, उधर से उधर किया, और फिर उधर ही धोकर, क्योंकि जब हम लास्ट में उसको उधर रखते हैं तो तब इसी पानी में नहीं रख सकते, इसीलिए मैंने इसे ही साड़ी को ऐसे ही धो लिया पटाख से। और जब वो पानी स्वच्छ अच्छा हो जाएगा तब जाके उसको Thank you.
एक ट्रैक्टर अभी गया नहीं भरा भरा, तो अभी देखो दूसरा आ गया, अभी इससे पूरा पानी फिर गंदा हो जाएगा वापस। उससे पहले मुझे यहाँ से फटाफट से निपट कर मेरा काम यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि 12:30 के बाद एक एक ट्रैक्टर शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे गाँव में 9 से 10 ट्रक रोज़ भरते हैं एवरी डे, क्योंकि हर आजू बाजू के गांव में और खेत में भी यही है। तो हमारे अकेले गांव में 9-10 ट्रक रोज़ाना भरते हैं। उसको मैंने पूछा तो 41 है उसके, तो अभी वो भी गांव में ला के जाके छोड़ेगा, और बहुत खुश है क्योंकि अभी इसको कॉलीफ्लावर को बहुत अच्छा रेट भी मिल रहा है, तो वाकई में खुशी है। और ये पत्तों के साथ 41 रुपीज़ के जी में जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर से मेरा पानी गंदा कर दिया है इन्होंने, अभी मैं इसको नहीं धोऊंगी, इधर इधर ऐसे ही थोड़ा सा, फिर वापस जाके ये जब शांत होगा तभी इसको धोना सही होगा। इसी तरह से खूबसूरत से माहौल में मेरे को बहुत खुशी मिलती है। जब भी मैं नदी में आती हूँ, मैं टाइम स्पेंड करना चाहती थी यहाँ पे, तो मैं इस बहाने से आई है और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये पानी में खेलना तो मेरी बचपन की आदत है, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। अभी इस नदियों में ज़्यादा पानी भी नहीं आता और उसको स्पीड भी नहीं होती है, लेकिन जब हम छोटे थे ना तो बहुत स्पीड थी, क्योंकि ऊपर कोई भी तालाब नहीं थे, जब भी पानी आता सीधा नदियों में आता इसीलिए। और आप पूरा माहौल देख सकते हो यहाँ पे, बहुत सुंदर अच्छा लगता है। और पानी में ऐसे इधर से उधर उधर से उधर चलना भी, लेकिन अभी पूरा के गया इसीलिए देख सकते हो यहाँ पे हर जगह पे कुछ ना कुछ कचरा अटका है, वो भी अभी पानी ये कब तक रहेगा पता नहीं, क्योंकि इतनी तेज धूप है हमारे इधर अभी कि फटाफट खेतों में पानी देना स्टार्ट हो चुका है, और इसी के साथ फिर ये धीरे धीरे कम होने लगती है। और अभी मेरा काम भी निपट गया, अभी मैं यहाँ से चलती बनूँगी, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम भी हो चुका है और वहाँ पे मेरा वेट हो गया कि अभी तक आई नहीं, चलो फिर उससे पहले मैं जाके घर जाऊँ। आपके साथ ऐसा है ऐसे कि आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं लेकिन फिर भी आपको नहीं रुक सकते। अभी देखो ये पानी पिलाने के नदी पे लेके जा रहा है, जब पानी आता है ना नदी में तो सबके काम बहुत आसान होते हैं और सब उसका बहुत अच्छा भी लगता है। और आपको मैंने वहाँ से देखा, इधर से भी बहुत सुंदर दिखता है ये पानी, और यहाँ पे भी बहुत अच्छी जगह है टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, फटाफट से इधर से भागना पड़ेगा। यहाँ पे बैठ के पैर डालना नदी में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी नहीं, अभी इधर से भी फटाफट घर की ओर मैं चल पड़ी, क्योंकि अभी 12:20 में हम लोगों का यहाँ पे यहाँ पे घूमने का बिल्कुल भी नहीं, कोई साथ होता तो और बात थी, इसलिए मैं फटाक से घर की ओर चली गई। और ये हमारे पास में ही है नदी और घर के सामने, लेकिन वहाँ पे मैंने बोला ना बहुत शैवाल है और इतनी सारी झाड़ियाँ है, उसमें बहुत सारे सांप भी होते इसीलिए नहीं। और मेरा ये पौधा बहुत अच्छा लगता है, ये इस यहाँ पे ही रहता है हमेशा के लिए, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, उतना का उतना ही रहता है। और ये बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन इसमें ढेर सारे कांटे होते हैं, इसका नाम क्या है कौन किसको पता है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखे। तो इसी तरह से मैं काम करते करते मेरे को यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाई भी दिखे छोटे छोटे, बहुत अच्छा लगता है ये सब। और अभी वही आए जहाँ से हमने काम की शुरुआत की थी, और अभी हमारे यहाँ पे रस्सियाँ भी है जहाँ पे मैं ये कपड़े साड़ियाँ सुखाने के लिए डाल दूँगी, और ऐसे ही मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये फटाफट से हो भी गया, अभी इसको मैं यहाँ पे फैलाऊँगी, और जैसे ही इसको तो ये बहुत जल्दी भी सूख जाती है और धूप भी बहुत तेज़ है, तो मेरा काम और जल्दी से निपट जाएगा। और इसको हम यहीं पे फैला देते हैं। आज की वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, और आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो तो आप लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक हमारे लिए एक हम जो अच्छा काम करते हैं उसका सर्टिफिकेट होता है, इसीलिए आप लाइक ज़रूर करना।
आई आपसे विनती है, लेकिन आपको अच्छा लगे तभी करो, ऐसा भी कुछ नहीं है जबरदस्ती। कुछ ज्यादा काम नहीं था, साड़ी याद होने के बहाने हमको नदी पे जाना था, क्योंकि ऐसे कोई निकलने नहीं देता घर से, नदी किनारे जाने नहीं देता, इसीलिए हम लोगों ने बहाना बना के साड़ी याद के रीजन से चले गए और धमाल मस्ती करके वापस आए। और आज की वीडियो यही रोकते हैं, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ, तब तक।